ओम नमः शिवाय, जय श्री रामचंद्र। आज मैं आपको बताऊंगा, आप जब अपनी साधना शुरू करें तो एक ऐसी क्रिया जो आप अपने घर पर ही कर सकते हैं, कैसे आपकी साधना को उन्नत बनाने में सक्षम है। जब आप एक साधना के निश्चित स्थान पर पहुंच जाते हैं, तब तो यह थोड़ा आसान है समझना कि सांसारिक, लौकिक, दैनिक जीवन क्रियाओं का क्या महत्व है। लेकिन जब आप बिल्कुल ही बिगिनर हैं, जब आप बिल्कुल ही शुरुआत कर रहे हैं, तो यह थोड़ा कठिन होता है समझना। तो मैं आज आपको बताऊंगा एक ऐसी क्रिया जो आप अपने घर पर ही कर सकते हैं। शायद हो सकता है सुनने में आप में से कुछ लोगों को अच्छा ना लगे या देखने में अच्छा ना लगे, लेकिन उसके आध्यात्मिक परिणाम बहुत अच्छे हैं, इसलिए मैं आपके साथ यह शेयर करना चाहता हूँ। वह है अपने घर के या जिस भी स्थान पर आप रहते हैं, अपने ऑफिस के भी टॉयलेट को साफ रखना, टॉयलेट को क्लीन करना। तो देखिए, हम हमारे शरीर का ही जो मल है, हम वहां उस त्याग करने में उसका प्रयोग करते हैं। और मैंने सुना है कि ओशो के आश्रम में जो बहुत पढ़े लिखे लोग थे, वह टॉयलेट को साफ करने का काम किया करते थे। मैं कभी गए तो नहीं हुआ, लेकिन सुना है। लेकिन जब लगभग 9 साल पहले मैं पहली बार जापान गया था, तो वहां मैंने देखा यह एक कल्चर बहुत स्ट्रोंग है वहाँ का, कि लोग बहुत इस बात का ध्यान रखते हैं कि टॉयलेट को बहुत ही अधिक साफ रखा जाए। जब आप सबसे गंदी मानी जाने वाली जगह या सबसे गंदा माने वाला माना जाने वाला स्थान आप अपने हाथ से स्वयं उसको साफ करते हैं, तो आपके अंदर एक भाव आता है अपने आप को आध्यात्मिक रूप से भी साफ रखने का। और अगर थोड़ी सी भी गंदगी वहां होती है ना, तो उसको आप तुरंत साफ कर देते हैं। ऐसे ही वो धीरे धीरे वो आदत, जब आप आंख बंद करके साधना करते हैं, तो वहां आती है कि थोड़ी सी भी गंदगी जहां भी है ना, उसको आप साफ कर दें। तो आप चाहें तो इसे आज से ही शुरू कर सकते हैं, और आपके परिवारजन, आपके परिवार के सदस्य, मित्र, संगी, जो भी आपके साथ रहते हैं, वो भी इस बात से एक अलग ही खुशी को महसूस करेंगे। और जब आप बिल्कुल साफ टॉयलेट को आप यूज करेंगे सुबह और शाम को, तो जो आपके मन में एक शांति और खुशी का भाव होगा, वो निश्चित रूप से आपको आध्यात्मिक मार्ग पर सहायता देगा। और ऐसा आप दिन में कम से कम एक बार और 2 बार भी कर सकते हैं। देखिए, ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है, अब तो साफ हो गया, अब तो साफ करने की आवश्यकता नहीं। आप उसे एक आध्यात्मिक क्रिया माने। जैसे हम मंदिरों, गुरुद्वारे में भी जाके चप्पल जूते उठाते हैं, साफ करते हैं ना, तो वो भी एक आध्यात्मिक क्रिया का हिस्सा है हमारे, और हमारे अहंकार को भी वो तोड़ता है। अगर थोड़ा सा भी अवचेतन मन में अहंकार होगा कि मेरा तो इतना ऊंचा पद, मेरे तो इतने नौकर, मेरे पास तो इतने पैसे, और जब आप टॉयलेट को साफ करेंगे तो वो उसमें ही बहकर चला जाएगा आपका अहंकार। और अगर मन में कहीं जातिवाद का, ऊंची जाति के संबंध रखने का कोई थोड़ा सा भी अभी कीड़ा है ना, तो वो कीड़ा भी मर जाएगा जब टॉयलेट को साफ करेंगे, तो आप महसूस कर पाएंगे इसको, आप समझ पाएंगे इस बात को कि इसे साफ करना कोई बुरी बात नहीं है। और उस तरह से आप उसको अपने जीवन में, अपने व्यवहार में अपना पाएंगे। और जो दूसरे व्यक्ति हैं जो अभी तक आपके लिए यह काम करते थे, उनका आप सम्मान भी कर पाएंगे। तो
तो आज के लिए मेरा यही आपको संदेश है कि आप जिस भी स्थान पर रहते हैं, जिस भी ऑफिस में काम करते हैं, सरकारी ऑफिस में, दफ्तर में, यह मेक श्योर करें कि वहाँ का टॉयलेट सबसे अधिक साफ हो, सबसे अधिक क्लीन हो। चाहे हो सकता है शुरुआत में कुछ लोग आप पर हंसे, मजाक उड़ाएं, क्योंकि हमारा यह कल्चर नहीं, हम बिल्कुल ही अलग हैं हमारा समाज। जैसे मैंने जापान का उदाहरण दिया, उस समाज से हमारे समाज की संरचना बिल्कुल ही अलग है। तो थोड़ा शुरू में परिश्रम लगेगा, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने टॉयलेट को बनाने के लिए पहले एक नया, एक क्रांति लेके आए। हम तो पहले कहते थे जंगल जा रहे हैं, जंगल, ऐसे एक लोकोक्ति आम भाषा में कहना हो गया था कि ये कर्म तो करने का ही जंगल में है। लेकिन हमने उसको फिर थोड़ा और सभ्य बनाया, एक टॉयलेट का निर्माण किया गांव गांव में, घर घर में। तो हम उसको अब दूसरे लेवल पर लेके आते हैं कि हमारा टॉयलेट सबसे अधिक साफ हो, इतना साफ जितना कि हम अपने रसोई को साफ रखते हैं। आप महसूस करेंगे निश्चित रूप से एक बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स, बहुत पॉजिटिव एनर्जी वहां से आपको मिलेगी जब भी आप उस स्थान को प्रयोग करेंगे। आशा है आप मेरी बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।